एडवेंचर आइलैंड तो बहुत मत होना, एडवेंचर आइलैंड में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो उन्हीं में से एक चीज़ आपको घुमाने लेके आई हूँ मैं, डायनासोर पार्क, जो कि अभी न्यू ही ओपन हुआ, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, कुछ महीने पहले ही ओपन हुआ। तो आज मैं आपको घुमाने लेके आई हूँ। डायनासोर पार्क की सारी डिटेल्स आपको देंगे, डायनासोर पार्क में क्या क्या डायनासोर है, कौन कौन से हैं, उसकी टिकट्स क्या क्या है, लोकेशन क्या क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन। सो लोकेशन की बात कर लेते हैं कि एडवेंचर आइलैंड आपको पड़ेगा कहाँ। सेक्टर 10 रोहिणी में ये पड़ेगा आपको, और यहाँ का नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा रिघाला मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप 10 रुपये में ई रिक्शा लेके बाई रिक्शा यहाँ पे आ सकते हो, अदरवाइज बाई वॉक पे आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, पूरा ह्यूज पार्किंग एरिया है। टिकट्स आपको पड़ेगी कार की 50 रुपीज़ पार्किंग टिकट, मतलब पार्किंग, और बाइक की मिलेगी 30 रुपीज़ की पार्किंग। सो आपको यहाँ एंट्री गेट पे कुछ ऐसे बच्चों की राइड्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ये है मेन एंट्री गेट, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे बना रखे हैं। सो चलते हैं अंदर, देन आपको बताते हैं। की है 100 रुपीज़, और हमने लिया है कॉम्बो में। तो कॉम्बो में मैंने लिया है डायनासोर पार्क प्लस स्केरी हाउस वॉर्टेक्स, और हमने लिया है मिरर मेज। तो ये 4 चीज़ों में पड़ गई 200 रुपये में। तो जो मिरर मेज वॉर्टेक्स और स्केरी हाउस ये आपको मिलेगा दूसरे पार्क में, इस पार्क में हम डायनासोर पार्क दिखाने वाले हैं। तो अगर डायनासोर पार्क की सिर्फ टिकट्स की बात करें तो 100 रुपीज़ की टिकट्स है, तो आप 200 वाली टिकट भी ले सकते हो कॉम्बो में। तो टिकट कौन सी पूछ लिया, और हमने 2 टिकट्स लिया, आपको टिकट कुछ ऐसे मिलेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि डायनासोर पार्क कैसा है अंदर से। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये इंडिया फर्स्ट रोबोटिक डायनासोर पार्क है, तो मुझे भी अभी पता लगा ये चीज़। रनवे वन वाला रेस्टोरेंट, तो इसकी एंट्री जस्ट बगल से ही है, और इसकी एंट्री ये है डायनासोर पार्क से, यहाँ से है। तो एंट्री लेते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं क्या क्या है आगे। सो हमारा है पोपट, यहाँ पे पड़ा है खाली। सबसे पहले देखने को मिलेगा ये जो अंडे में से निकल रहा है, क्या है भाई, डरा क्यों रहा है, आवाज़ भी ऐसी निकाल रहा है ये, तो बाहर तो निकल। ये ऐसे निकलता है, ऐसे अंदर चला जाता है, दोबारा निकल, ये निकल गया। तो देखो चलो अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे ना लिख भी रखा है डायनासोर्स के बारे में, तो ये है ब्रशियोसॉरस, नेम मींस भी लिखा है इसके अंदर, और भी डिटेल्स की लिखी है कि ये कब, मतलब कितनी पुरानी पीढ़ी है या क्या है, डिटेल्स सब कुछ लिखी हुआ, आप पढ़ सकते हो उसको। सेकंड पे देखने को मिलेगा हमको ये वाला, इसका नाम क्या है, नीचे लिखा होगा, तो ये है अमरगा सौदस, यही लिखा है यहाँ पे, तो ठीक है पढ़ लो वैसे तो आप। बाकी ये लिखा है इस पर, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, बट पीछे जो बैनर है वो काफ़ी भयंकर टाइप के लगा रखे, बट वो लग नहीं रहे, वो बात अलग है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ये बैठने का, तो ये यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचवा सकते हो आप अपनी। यहाँ पे फिर ऐसे है, ये डायनासोर बना रखा है यहाँ पे, उसके ऊपर हम बैठ भी सकते हैं। देन देखो यहाँ पे एक डायनासोर है, यहाँ बगल में एक अंडा बना रखा है, छिलका छिला हुआ है इसका, इसके अंदर जाके वोजा खिंचवा सकते हो। पीछे यह कार है, बिल्कुल ही मतलब क्या बना रखा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डायनासोर के पीछे कार कैसे हो सकती है यार, ठीक है। अभी ये पता नहीं किसका पैलेस बना रखा है इतना सुंदर सा, ठीक है छोटे एरिया में बना रखा है, जो बना रखा है जैसा भी है।
बट बच्चों के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ एडल्ट्स के लिए तो नहीं है कि मतलब वो फन करें आके, इतना तो नहीं है सच। बट देख सकते हो जो भी है, ये दांत टूटे पड़े हैं इसके ऊपर के। हाँ भाई यहाँ से अब मैं बन गई डायनासोर, कर सकती हूँ इतना ही, नहीं कर सकती हूँ मैं ठीक से। मैं बड़ी मुश्किल से अंदर, आवाज़ आ रही हो नहीं आ रही, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, चलो उसको ट्रैक करते हैं। कितना अजीब लग रहा है, बच्चों को चीज़ें कर रहे हैं बड़ी होके। एनीवे चलता है, चलो बाहर निकलते हैं, कैसे निकलूँगी। That was so weird. अब आपको मिलवाते हैं पांडा से, आ जाओ। देख तो पांडा आ गया, अब यहाँ पे किंग कॉन्ग भी आता है, पता नहीं कब आएगा। बट अच्छा लग रहा है, बड़े क्यूट सा पांडा, अच्छा टेडी बियर मिल जाए हमको तो कितना मज़ा आ जाए। फाइट वाला पोज दो, फाइट वाला। लुक एट माई फेस यार, कितनी स्वेटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आजा 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 डर को। इस कैमरा शाय पर्सन, इसको कैमरे के आगे आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इवन फोटो तक क्लिक नहीं करवाता। पांडा के आगे भी इसने फोटो क्लिक नहीं करवाई अपनी, अभी भी देखो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग लिया भाग लिया। सो अभी आधा दिखाया आपको, अभी आगे और दिखाते कि क्या क्या है इसमें। बिफोर कमिंग इन डायनासोर पार्क आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, मीन्स हम ही होंगे, क्योंकि यार यहाँ पे एक्चुअली इतना कुछ ज़्यादा फन नहीं है। बट हाँ, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डायनासोर बना रखे हैं यहाँ पे, फेक मतलब उसमें, लेकिन अच्छे बने हुए हैं। और एक है काफ़ी ह्यूज भी है, तो वो भी दिखाऊंगी आपको, मैंने आपको थोड़ा ही दिखाया है। और अभी चलो देखते हैं आगे और कवर करते हैं डायनासोर पार्क को। तो इस वाले के बाद आपको ये मिलेगा बहुत ही बड़े वाला, यही लाता है गर्दन पर, जब कैमरा खोलूंगा ना तब नहीं लाएगा क्योंकि इसके भी नखरे हैं। तो अभी देखो वाइट जंगल में लेने के बाद भी फ्रेम को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है, टेंट करने के बाद आ रहा है कि पूरा हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया, किस्मत अच्छी है। हिल थोड़ा सा, और हिल, हिलता ही तो बहुत कम है और थोड़ी बहुत देर में हिलता ही है। एक ये वाला है शिवम को, ये ऊंट लग रहा है पर हम देख लेते हैं। ये डायनासोर, इसका नाम क्या है पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है पहले तो, ठीक है एडमोंटोसोरस है ये। यहाँ पर डायनासोर के साथ साथ ना कुछ जानवर भी बना रखे हैं, लाइक ये देखो हिरन बना रखा है, यहाँ पे हाथी है। ये क्या है, डायनासोर का नाश्ता है ये, डायनासोर को भूख लगेगी तो इन दोनों को खा लेगा। और फोटो का इतनी तेज गर्मी हो रही है ना, आधा ही फल घूमे हो यहाँ पे आगे खड़े हो गए हैं फैन के आगे, इतनी गर्मी लग रही है। ओह माय गॉड, देखो हुमायूं ने मुंडी अपनी दिख रही है। तो मतलब ये पार्क ना देखो वहाँ से दिख रहा है यहाँ तक, ये इतना ही है, बट अभी हमने सारा भी पूरा कवर नहीं किया है, तो अभी दिखाते हैं आपको। तो अभी ये वाला हो गया है, वहाँ तक का सेक्शन हो गया है। ऐसे यहाँ पे जगह जगह पेंटिंग बना रखी है, ऐसे ऐसे पेंट मतलब पोस्टर्स लगा रखे हैं ऐसे कि आप देख सकते हो, कि थोड़ा मतलब फ़ोटो स्टिक बना रखा है कि आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह अपने क्लिक करवा सकते हो। देन आगे चल के देखते हैं और आगे क्या है। सो उसके बाद यहाँ पे पांडा फिर से खड़ा है, पीछे की साइड पांडा चले जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है किंग कॉन्ग, ये किंग कॉन्ग भी आता है यहाँ पे, बट अभी किस्मत ख़राब अभी नहीं आ रखा यहाँ पे, ठीक है। देन आपको ये अब मिलेगा एक और डायनासोरस,
हैं क्या वेलो की रैप्टर, वेलो की रैप्टर, ये है डायनासोर। हमें तो सब सेम ही लगते हैं, सिर्फ छोटे बड़े लगते हैं। ये देखो ये पांडा है ना, मैं सोच रही थी इसको गर्मी लगती होगी, बट इसके देखो नीचे ना यहाँ पे लगा रखा है यहाँ पे फैन। यार कितना मुश्किल है इतनी गर्मी में इसमें रहना, कितना ही फैन लगा दो गर्मी तो फिर भी लगती होगी, फेस तक तो गर्मी जाती ही होगी। तो ये देखो सारे के सारे इसी पांडा पे जा रहे हैं। सो उसके बाद आएगा अपना ये वाला ओमियासॉरस। तो ये है ओमियासॉरस वाला डायनासोर, ये भी मुँह खोल रहा है अपना। तो वापस हम वहीं वहीं जाए जा रहे हैं, मतलब हम पीछे चल जाते हैं बाबा पांडा को देख के ना, बड़ा क्यूट सा पांडा लग रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो ये पोस्टर लगा रखे हैं ना, ये हॉरर सा पोस्टर लगा रखा है यहाँ पे एक, देन ये पता नहीं कौन से बाहर अब्रॉड का लगा रखा है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा वेनिस का लगा रखा है यहाँ पे, तो ये अलग अलग जगह का बना रखे। फिर यहाँ पे अगेन आपको जाना सा मिल जाएगा बैठने के लिए। अबे यार रहा जो मुंह तो हिला रहा है अपना, मतलब पूरी ये तो बॉडी हिला रहा है अपनी, देखो इसकी, देखो आंखें भी हिल रही है, पलक झपक रही है, देखो दिखाऊं। शिवम अगर ये रियल हो गया तो भागेगा, फाइट करेंगे। सो ये है लास्ट वाला, बाकी अभी आपको थोड़ी सी क्लिप्स और दिखाते हैं इस पार्क के बारे में। खाना खजाना रखा हुआ है, ये देखो सांप, क्या कौन सा सांप है ये, अजगर है क्या है। ये देखो घूम रहा है ये, कैमरे में देख रहा है। तो अब ले लिया हमने यहाँ से एग्जिट, ये है एग्जिट। सो बात करते हैं डायनासोर पार्क के एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस अच्छा था, एक्चुअली धूप ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा इरिटेशन हुई है, अदरवाइज अच्छा पार्क है। बच्चों के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो तो बहुत अच्छा पार्क है, तो आप आ सकते हो इस पार्क में। बाकी सजेशन यही रहेगा कि आप शाम को आओ, दिन में सुबह मत आना, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप है। अगर आपको किंग कॉन्ग अगर देखना तो वो भी आपको शाम को ही देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो यही था मेरी वीडियो में, आपके पास मेरी वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और नेम आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।